हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नेहा कुकिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। और हमने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में डाल दिया है तेल। तेल हो गया मेरा गरम और उसमें जीरे का तड़का भी डाल दिया है और प्याज और हरी मिर्ची का तड़का डाल दिया है। तड़का मेरा थोड़ा लाल हो गया है, फ्राई हो गया है। और इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें मसाला, जो टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया सारे चीज़ों को एक साथ पीस कर हमने डाल दिया था। मसाला पीस गया है, भुन गया है। और उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें चिकन और चिकन को अच्छे से मसाले में चला दिया है चिकन। और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वादानुसार। और नमक डालने के बाद हमने इसको फिर अच्छे से चला दिया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। और इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 15 मिनट बाद हमने इसको खोल के फिर अच्छे से चलाया और ये थोड़ा पक गया है। अब इसमें डाल दिया है इसमें मसाला जो पीस के रखा था सिलबट्टे पर। सिलबट्टे पर पीसने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाल दिया है रसा और रसा डालने के बाद इसको अच्छे से फिर चला देते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये पूरी तरीके से बन चुका है। इसमें डाल दिया है धनिया की पत्ती और चिकन रेडी हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये देखिए थाली भी लग गई है।